गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपका एक चैप्टर विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को कारक पढ़ाया था और उसका एक्सरसाइज भी सेंड कर दिया था, ठीक है। आज मैं आप लोगों को विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले विशेषण क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। अब देखिए, आपकी बुक में ये कुछ वाक्य दिए हैं, एक छोटा सा वाक्य दिया है, इसको पहले पढ़ते हैं। सुहाना मौसम, काले काले बादल, हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल तथा रिमझिम बरसात में नाचता मोर बहुत खूबसूरत है। अब इसमें आप देखिए कुछ लाल रंग के शब्द हैं, ठीक है। तो ये ही शब्द बच्चों विशेषण हैं, ठीक है। अब इन्हें विशेषण क्यों कहा गया है, कैसे पता चलेगा हमें ये कि विशेषण ही है? तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें संज्ञा और सर्वनाम कौन सा है? तो अब देखिए, इसमें जो है मौसम क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। तो इस मौसम शब्द का विशेषता क्या है कि मौसम सुहाना है, ठीक है, इसकी विशेषता है। तो ये जो सुहाना शब्द जो है वो क्या है बच्चों, विशेषण है, ठीक है। बादल, बादल क्या है, संज्ञा शब्द। अब बादल का रूप कैसा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो काला काला है ना। तो ये जो काले काले शब्द है वो क्या है, विशेषण है, ठीक है। उसके बाद वृक्ष, वृक्ष क्या है, हरे भरे हैं। तो वृक्षों की विशेषता क्या है, वो हरे भरे हैं। अब कोई बोल देगा वह लड़की बहुत सुंदर है, तो मैंने अभी क्या बोला है, संज्ञा या सर्वनाम। मैंने लिखा यहाँ पे वह लड़की सुंदर है, ठीक है, ये लिखा। अब इसमें क्या है, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है, क्या ये सर्वनाम है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये संज्ञा है। अब इसकी विशेषता क्या है इस लड़की की, कि ये सुंदर है। तो ये शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, ये शब्द विशेषण कहलाएगा, क्योंकि ये इस लड़की की विशेषता है कि ये सुंदर है। तो आप लोग का ये डायरेक्ट इस तरीके से आप लोग इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, संज्ञा के साथ आए सभी रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। छोटा, बड़ा, गर्म, ठंडा, पतला, मोटा, सुंदर, बदसूरत, सब कुछ, लंगड़ा, ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं ये क्या है, विशेषण। भले किसी की बुराई भी क्यों ना हो, अब जैसे बोलेंगे वह व्यक्ति बूढ़ा है, अब तो बूढ़ा शब्द क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो बूढ़ा है, अवस्था है उसकी, तो ये भी क्या होगा, ये भी विशेषण ही कहलाएगा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। अब जैसे कि काला घोड़ा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसमें देखियो, काला शब्द जो है क्या है, विशेषण है, तथा घोड़ा शब्द जो है वो विशेष्य है, ठीक है। तो यानी कि आप इससे पता लगा सकते हैं कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, आप जैसे यहाँ पे लिखे मैंने मोर सुंदर है, ठीक है, ये लिखा। अब इसमें क्या है, मोर शब्द क्या है, मोर शब्द विशेष्य है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या है, विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष्य कहते हैं। देखो, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और ये क्या है, ये शब्द जो है वो विशेषण है, ठीक है, समझ गए आप लोग। विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेष संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, विशेषता यानी कि गुण, दशा, अवस्था, ये सब बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी भी विशेष, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे वो लड़का छोटा है, तो किसकी, लड़की की विशेषता, लड़का क्या हो, विशेष्य हुआ, ठीक है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का विशेषण के भेद। तो बच्चों, विशेषण के चार भेद दिए हैं आप लोगों की इस बुक में, आगे जाके आप और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें है गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। ये चार विशेषण है आप लोगों के। इसमें से अब देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे गुण बताए किसी व्यक्ति की, अच्छाई बुराई ये बताए। इन वाक्यों में जहरीला शब्द सांप की तथा ऊंचा शब्द इमारत। अब देखो, जहरीले सांप ने अनिल को काट लिया। अब जहरीला क्या है, एक तरीके की बुराई ही है,
लेकिन फिर भी क्या है, ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। यह इमारत बहुत ऊंची है, ठीक है। तो इस पे देखिए, जहरीला शब्द सांप की तथा ऊंचा शब्द इमारत की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण रंग क्या क्या दर्शाता है, गुणवाचक विशेषण देखिए, अंडरलाइन कीजिए। रंग दर्शाता है, रंग रूप बताता है, रूप बताता है, आकार बताता है, अच्छाई बताता है, बुराई बताता है, स्वाद संबंधित विशेषता भी बताता है। बुराई भी हो सकती है, स्वाद कि ये फल मीठा है, तो ये क्या है, फल की अच्छाई है, उसका स्वाद है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। फिर आता है बच्चों, आप लोग देखिए, ये पढ़ लीजिए, गुण दोष रंग रूप आकार संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर आता है आप लोगों का संख्यावाचक विशेषण, जैसे सात आम, तीन ईंटें, अनेक लोग, बहुत सारे पेड़, ये सब जो क्या बता रहे, गिनती बता रहे, जैसे 12 केले दे दीजिए, ठीक है। ये सब जो बोलते हैं हम लोग, ये क्या उपयुक्त, दो कॉपियां दे दीजिए, दो पेंसिल दे दीजिए, ये सब बोलते हैं, तो उपयुक्त हम किसी संख्या का उसमें वो करते हैं, नाम लेते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, संख्या। इससे तो आप लोग पता लगा ही लेंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है। अब ये किसकी विशेषता, ईंट की विशेषता है कि ये तीन है, ठीक है। ईंट की विशेषता है कि ये तीन है, और ये जो है पूरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। और ईंट क्या है, विशेष्य, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, ईंट की। उपयुक्त चित्रों में सात तथा तीन शब्द आमों तथा ईंटों की निश्चित संख्या बता रहे हैं, अनेक तथा बहुत शब्द लोगों तथा पेड़ों की अनिश्चित संख्या बता रहे हैं। अब अनेक, अनेक भी क्या है, एक तरीके का संख्या ही है। अनेक क्या होता है, एक और अनेक संख्या से ही पता चलता है ना, है ना। तो ये अनेक और बहुत, ये भी क्या है, संख्यावाचक विशेषण में ही आएंगे, ठीक है। एक, अनेक, एक से क्या, एक का पता चलता है, अनेक, एक से ज्यादा का पता चलता है, लेकिन नंबर का ही पता चलता है, संख्या का ही पता चलता है। बहुत भी संख्या, वहां बहुत लोग थे तो गिनती हम नहीं कर सकते, लेकिन लोग बहुत थे, तो ये भी संख्या ही दर्शाता है, ठीक है। तो ये भी संख्यावाचक विशेषण में आएगा। संख्या संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर बच्चों आता है आप लोगों का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में जैसे कि हम बोलते हैं, एक किलो चीनी दे दो, ठीक है, थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा पानी दे दो, चाय में चीनी कम है, ये सब जो दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। एक परिमाण बताते हैं हम लोग, एक लीटर दूध दे दो, 2 लीटर तेल दे दो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा कम, 1 किलो तथा 2 लीटर शब्द नाप तोल संबंधित विशेषता बता रहे हैं। इससे आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि नाप तोल संबंधित विशेषता, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, याद रहेगा आप लोग, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण बताने वाले शब्द, परिमाण संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों आप लोगों का सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब सर्वनामिक क्या होता है और संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, आप इन दोनों में से एक भी बोल सकते हैं, तो सार्वनामिक बोले या संकेतवाचक विशेषण बोले। अब देखिए, सर्वनामिक मतलब सर्वनाम का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, वह शब्द क्या है, सर्वनाम है यहाँ पे, वह लड़का कौन है, इसमें देखिए संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ गए हैं, है ना। तो ये क्या है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ गया है। अब यहीं पे मैंने देखिए क्या प्रयोग किया है, वह लड़का, लड़की सुंदर है, तो इसमें मैंने इशारा करते हुए वह लड़की, तो इसमें संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग किया है, संज्ञा शब्द का भी प्रयोग किया है ना। यह मकान मेरा है, तो इसमें देखिए यह क्या है, सर्वनाम है, मकान क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। इतना आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए, वह तथा यह शब्द अपने बाद आए संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। इनके बाद क्या है, वह और यह शब्द अपने बाद आई, वह और यह शब्द अपने बाद, इनके बाद क्या है, संज्ञा शब्द आया है ना, है ना। लड़का और मकान क्या है, संज्ञा शब्द है, तो अपने बाद आने वाले संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि वह लड़का कौन है, पूछ रहे कौन है, यह मकान मेरा है, कि यह मकान मेरा है, ठीक है। तो ये क्या है, विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं उसे कि यह लड़का कौन है, ठीक है, और ये मकान मेरा है, वो बता रहे कि यह मकान मेरा है। तो ये क्या हो जाता है, इशारा करते हुए बता रहे कि वह मकान मेरा है, हम किसी को बताएंगे तो क्या है, वह मकान मेरा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, संकेत करते हुए हम बताते हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण कहलाता है,
ठीक है। देखिए यहाँ पे शब्द अपने बाद आए संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। वैसे तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का, आप हमेशा ये देखे होंगे कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इसे सर्वनामिक विशेषण या कहा जाता है। किंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग में आते हैं तो ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, सर्वनाम तब होगा जब संज्ञा के स्थान पर आएगा, उसके साथ संज्ञा नहीं आएगा, तब क्या होगा, वो सर्वनाम होगा। ठीक है, अगर वो संज्ञा के साथ आता है तो वो क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वे सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होते हैं। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण का काम करते हैं, इसीलिए ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये रहते तो है तो संज्ञा शब्द, लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, ये विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उस लड़की के बारे में पूछ रहा है वह कौन है, तो ये जो लड़का है ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। ठीक है, पूछे यह मकान मेरा है, तो यह शब्द क्या दर्शा रहा है, इस मकान के बारे में दर्शा रहा है कि ये मकान किसका है, तो ये विशेषण होगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को उसका एक्सरसाइज सेंड करूँगी, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर स्कूल में कॉपी चेक कराने के लिए लेकर आना है। ठीक है, जो नहीं समझ आता वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।